इसका प्रीमियर है, क्या कहेंगे इस फिल्म की कास्ट और कहानी से मुतल्लिक? हाँ जी, इंशाल्लाह 3 जून को ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वाले का काम फिल्म बनाना होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। जो कहना चाहिए वो आवाम को, देखने वालों को कहना चाहिए। ऑल आई वुड से इज़ के हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हमारी वो मुनफरद आवाज़ कहाँ है, हमारा वो मुनफरद अंदाज़ कहाँ है। तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छा या बुरा, वो फैसला आप बाद में करेंगे, लेकिन इसको बेटा बीच बीच में अगर बोलेंगे तो फिर तो फ्लो कैसे बनेगा, मुझे बताएं। प्रोफाइल फ्रेम चले चले, अब एक वक्त में कितने उनका प्रोफाइल सेंटर में देखें। अच्छा चलिए, लेकिन अब बीच में फोन लेंगे तो फिर बस यार रिपोर्टर की तरह। थैंक यू। शुरू से शुरू करें, शुरू से स्टार्ट करें। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये फिल्म खास तौर पर मैं देखने के आया, क्योंकि जब मैंने इसकी रशीद देखी तो मैंने कहा नहीं यार ये देखनी चाहिए। और कमाल की बात है कि इतनी अच्छी जो यहाँ पे लोकेशन है वो इसमें डिस्कवर किए हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशन है, दिमाग होना चाहिए, उन्होंने वो दिमाग इस्तेमाल किया। और जो सभा कवर थी उसको इन्होंने बना दिया उस फिल्म में, और जिस तरह उसके अंदर से एक्ट्रेस की शीट की है वो इन्हीं का कमाल है। थैंक यू। अच्छा मैडम, आप बड़ी वोकल हैं, ट्विटर पे भी बड़ी एक्टिव हैं, और मेरे ख्याल में आप उन फनकारों में से एक हैं जिन्हें मरियम नवाज बाकायदा तौर पर ट्विटर पे जवाब देती हैं। तो ये एफिलिएशन आपकी उनके साथ और उनकी आपके साथ कैसे डेवलप हुई है? ये डेवलप हमारी ट्विटर पे ही हुई है। वो एक औरत है और मैं उनकी स्ट्रगल जानती हूँ, वो मेरी स्ट्रगल जानती होंगी। और ये सिर्फ कमाडरी है औरत होने की, और वो मेरा साथ दे रही है और मैं उनका साथ दे रही हूँ। मेरा उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जमहूरियत के सफ़र में इस वक्त हम दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हो गए। वो भी जमहूरियत के लिए काम कर रही है और मैं भी जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। असल जमहूरियत के लिए मिलके काम करने में कोई हर्ज नहीं। मैडम, जब आप ट्वीट करती हैं और वो आपको जवाब देती हैं, ऐसा तासुर जाता है कि आप उनको उनकी पार्टी को उनके आइडियाज़ को सपोर्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों के अगेंस्ट ये ट्वीट कर रही हैं, यानी कि इमरान खान हो आसिफ। जी, इमरान खान के टोटली अगेंस्ट, हमारे मुल्क के लिए एक बर्बादी था और अभी तक मैं उसे बर्बादी समझती हूँ। और जो भी मेरे मुल्क के लिए ख़राब चीज़ होगी मैं उसके खिलाफ ही होंगी, अदरवाइज उन्होंने मेरी भैंस तो नहीं छुड़ाई और मुझे उनसे क्या दुश्मनी है। मुझे यही बुरा लगता है, ही इज़ नॉट फिट टू रूल अ कंट्री एंड वी नीड रियल एंड प्रोफेशनल पॉलिटिशियन टू रन दिस कंट्री। हमें सिस्टम चाहिए। वो सिर्फ मरियम नवाज, वो सिर्फ मरियम नवाज नहीं है, वो सही पॉलिटिशियन है। थैंक यू सर। आपके दोस्त भी हैं सारे लोग, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़ी धूम मचाई रिलीज से पहले कमली ने। कमली का प्रीमियर कराची में हुआ, उससे पहले भी मैंने 3 दफ़ा देखी। आज मैं 5वीं दफ़ा कमली देखने लगी और मेरे ख्याल में मैं 500 दफ़ा और देखूंगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि देखने के लिए आए, बिकॉज अगर आप एक अच्छी फिल्म जिसकी डायरेक्शन भी अच्छी है, जिसकी स्टोरी भी अच्छी है, जिसमें अदाकारी भी अच्छी है, जिसमें प्रोडक्शन भी अच्छी है, वो आप देखना चाहते हैं तो कमली इज़ योर थिंग। और आपको कमली ज़रूर देखनी चाहिए सबको आके। वाकई अगर सिनेमा की स्क्रीन जिसे आप कहते हैं ना, बहुत अरसे से हम वेट करें कि चेंज हो, कुछ ऐसा हो, कुछ नया हो, तो वो है ये। और सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मेरा दोस्त है, लेकिन सबको पता है कि सिनेमा कितना अच्छा डायरेक्टर हो, फिर सभा हो और सानिया हो और निमरा बुच्चा हो। मेरी पर्सनल फेवरेट इस फिल्म में निमरा बुच्चा है। मैं राणा, हर एक ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की है, लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि, और म्यूज़िक जो है, मतलब इस फिल्म में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप कहेंगे हाँ ये कमी है इस फिल्म में। सो आई थिंक सबको देखने के लिए आना चाहिए और सबको सिनेमा से प्यार हो जाएगा इस फिल्म के साथ।
अच्छा यहाँ पे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक जॉयलैंड का भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए, इतनी बड़ी पाकिस्तान इंडस्ट्री की 75 हमारा ही बच्चा है, समद के साथ सीखा, साइम ने कोलंबिया से पढ़ा हुआ है, डायरेक्टर है, उसकी पहले शॉर्ट फिल्म जो थी उसको वेनिस फिल्म अवार्ड मिला था और अब कान का जूरी अवार्ड मिला उसको। जॉयलैंड जो है बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, फिर वही जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती हैं हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, खासतौर पर अगर आप देखें ट्रांसजेंडर्स वगैरह के साथ क्या होता है या हम किस तरह का सलूक करते हैं, या हम ये समझते हैं क्योंकि वो जो है हमसे मुख्तलिफ हैं या हम उनसे मुख्तलिफ हैं तो उन लोगों को हक नहीं है जीने का। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आइडेंटिटी मिली है, उनको आईडी कार्ड मिले हैं, वोट का हक मिला है, तो आई थिंक कि सबको देखनी चाहिए और हमें अपने इर्द-गिर्द के लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बजट आ रहा है, बजट के हवाले से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो बात नहीं करूँगी, मेरा मियाँ करेगा। उम्मीदें क्या है आई एम सॉरी, मैं तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और जल्द से जल्द हमें पता चले कि किसी को किसको वापस आना चाहिए, इनसे मुझे कोई प्यार नहीं। मैडम ओके करें, ओके फाइन। मैडम अपनी फिल्म और इसके कैरेक्टर के हवाले से बताइए क्या तो औकात है आपको इस फिल्म से? पहली बात तो ये कॉमर्शियल फिल्म है और हम सब ने मिलकर बहुत दिल से बनाई है, उसको उनकी अदाकारी उनके एक्सप्रेशन बहुत अलग तरीके से उम्मीद तो है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती है। मैडम ये आपकी सेकंड मूवी है, अभी पे भी एक रिलीज नहीं, दिस इज माय फोर्थ मूवी। नहीं ये इस ईद पे, इस ईद के उसके बाद ये सेकंड है, तो ये बताइएगा क्या इंडस्ट्री का रिवाइवल आपको देख रही है होता हुआ? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का रिवाइवल तो बाद में जब फिल्मों का तसल्सुल रहेगा वो बंद ही रहेगा, सभा हमारी फिल्में कांस भी जा रही है इंटरनेशनल, अभी सबमत की मूवी गई है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जॉयलैंड के बारे में? हम सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ है, हमारी कंट्री की ग्रोथ है कि हमारे लोग इतना अच्छा काम करें कि दुनिया में गुलाम बना रहे हैं। सो रहा आपको ईद के दिनों में आपकी फिल्म का गवर्नमेंट की तरफ से? हर तरफ से रहा आपके सामने, अगर फिल्म 10 करोड़ कर गई है तो फिर बेचारी अपनी तरह बसों में घुस रही है, निकल आएगी तो करने के सपोर्ट, बाकी लोगों के सपोर्ट बहुत रही। आपकी अदाकारी में